सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। आपको तो मुंबई को रेड अलर्ट पे रखा गया है। जो अरेबियन सी से जो साइक्लोन तूफान है वो मुंबई और गुजरात को कहीं ना कहीं हिट करने की तैयारी पे है। 3 तारीख को मुंबई के अंदर रेड अलर्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं हम अभी इस वक्त मरीन ड्राइव पे जो चौपाटी का इलाका है वहाँ हम खड़े हैं। ये समुंदर अभी इस वक्त काफ़ी शांत लग रहा है, लेकिन ये आने वाले वक्त के अंदर क्या रूप अख्तियार करेगा किसी को नहीं पता, क्योंकि जो साइक्लोन है वो लगातार मुंबई तट पे और गुजरात तट पे और पालघर की तरफ बढ़ रहा है। और उसको देखते हुए मुंबई के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। पूरे महाराष्ट्र में रेड अलर्ट है। एनडीआरएफ की जो 16 टीमें हैं उनको तैनात कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड को अलर्ट कर दिया गया है और जितने भी निचले इलाके में लोग रहते थे उनको कहीं ना कहीं शिफ्टिंग करने की तैयारी एनडीआरएफ की टीम और मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार कर रही है, और लोगों को जो सुरक्षित जगह है वहाँ पहुँचाने की तैयारी चालू है यहाँ पर मुंबई के अंदर। और मुंबई में देख सकते हैं आप, आज 2 तारीख है, कल 3 तारीख है। कल शाम तक का ये जो तूफान है वो कहीं ना कहीं मुंबई के अंदर हिट कर सकता है, ऐसे आशंका जताई जा रही है। और लगातार मुंबई की बात करूँ या महाराष्ट्र की बात करूँ या प्रशासन की बात करूँ, पूरी तरीके से तैयारी करी है इस तूफान से निपटने के लिए और सारी टीमों को अलर्ट पे रख लिया गया है। चाहे मुंबई पुलिस की बात करूँ, फायर ब्रिगेड हो, एनडीआरएफ की टीम हो और रिजर्व में भी काफ़ी सारी टीमों को अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि कितना नुकसान होगा ये भी अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि जब तक तूफान हिट नहीं करता जब तक नुकसान का अंदाज़ा नहीं होता है। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या मुंबई तूफान का कहर भी झेलेगा कि नहीं झेलेगा।